सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के सपरेटर में तुहाड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुरखियां ते। लोग सभा की सुरक्षा में वड्डी कोताही। लोग सभा की कार्रवाई दौरान दर्शक गैलरी विचों दो नौजवानों ने मारी छाल। नौजवान ने लोग सभा में सुट्टे कलर स्मोक क्रैकर। संसद मैंबरां अते सुरक्षा कर्मचारियों ने दोवां नूं फड़िया। मामले में कुल चार गिरफ्तारियां। कांग्रेस के संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला ने लोकसभा में चुकिया किसानों दी मंगां दा मुद्दा। कहा केंद्र सरकार संयुक्त किसान मोर्चे नाल कीते वादे पूरे करे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोरिंडा ब्लाक के पिंड सुखो माजरा के स्कूल ऑफ एमीनेंस और लुठेरी के सरकारी स्कूल का किया अचनचेत दौरा। विद्यार्थी और स्कूल के स्टाफ नाल कीते गलबात। जानिया मुश्किलां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज लोग सभा की कार्रवाई दौरान दर्शक गैलरी विचों दो नौजवानों ने सदन के अंदर छाल मार दी, जिस तों बाद कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई। सदन में जीरो काल दौरान दोपहर तकरीबन 1 बजे दर्शक गैलरी तो दो नौजवानों ने सदन में छाल मार दी। इन्हां विचों एक मेज उत्ते टपते हुए दौड़ रहा है। सुरक्षा कर्मियों ते कुछ संसद मैंबर ने उसनू घेर लिया। बाद विच दोहां नू फड़ लिया गया। प्रधानगी स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल ने दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई मुलतवी कर दी। कुछ संसद मैंबर का कहना है कि सदन में छाल मारन वाले व्यक्तियों ने कलर स्मोक क्रैकर सुटिया, जिस नाल सदन में धुआं फैल गया। सदन की कार्रवाई दौरान लोग सभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोग सभा ते दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दो लोगों को संसद के बाहरों भी गिरफ्तार किया गया। मामले की डूंघाई जांच पड़ताल करने का भी उन्होंने गल कही है। इस मामले में सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे और नीलम को गिरफ्तार किया गया। लोग सभा में दो व्यक्तियों वालों दर्शक गैलरी तो हेठां छाल मारन तो बाद संसद भवन कंपलैक्स में दर्शकों की एंट्री बंद कर दी गई। इस घटना तो बाद अज लई जायज़ विजिटर पास रखने वाले लोगों को स्वागत खेत्र तो वापस भेज दिया गया। अधिकारी ने दसा कि हुण तक दर्शकों उत्ते पाबंदी का कोई लिखती निर्देश सामने नहीं आया। जिक्रयोग है कि संसद की सुरक्षा में कोताही की घटना 2001 संसद से हुए अतवादी हमले की बरसी के दिन हुई है। पंजाब बीजेपी के इंचार्ज विजय रूपाणी ने संसद में वापरी घटना उत्ते चिंता जाहर की। उन्होंने कहा कि बड़ी दुखदाई गल है। उन्होंने भी कहा कि संसद लोकतंत्र का सब तो वड्डा मंदिर है। इस विच जो घटना वापरी है उसनू गंभीरता नाल लिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बड़ी खेद की बात है, दुख की बात है और चिंता की भी बात है, क्योंकि पार्लियामेंट हमारी लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर है और इन पर इस प्रकार की कुचेष्टा करना ये ठीक नहीं है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए और आज जो हुआ है वो चिंता की बात है। कांग्रेस के संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला ने लोकसभा में किसानों का मुद्दा चुकिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चे को उन्होंने मंगा मनन का लिखती भरोसा दिता सी। 11 दिसंबर को किसानों ने धरना खत्म किया से, पर अज एक साल बीत गया, सरकार ने किसानों की मंगा पूरिया नहीं कीतियां। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमिशन की सिफारिशां लागू की जान और किसानों को बनती MSP दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली सोध बिल से लखीमपुर खीरी कतलकांड के मामले भी ज्यों के त्यों खड़े ने, जिन्हों हल किया जाए। उन्होंने अटारी वाघा सरहद राही पाकिस्तान नाल व्यापार खोलने की भी मांग की है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता विष्णुदेव साई ने अज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वजों सहु चुक ली है। साई के नाल ही भाजपा विधायक अरुण साहू और विजय शर्मा ने भी सूबे के उप मुख्यमंत्री के अहुदे की सहु चुकी है। यह पहला मौका जदों सूबे में मुख्यमंत्री को सहयोग करने लिए दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने साइंस कॉलेज के मैदान में एक सहु चुक समागम दौरान साई और दोवों उप मुख्यमंत्री अहुदे और गोपनीयता की सहु चुकई है। इस दौरान सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए सन। प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रधान JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और होर सूबे के मुख्यमंत्री भी शामिल सन।
पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अज रूपनगर दे अचनचे दौरे ते रहे। मुख्यमंत्री मोरिंडा ब्लाक दे पिंड सुखो माजरा दे स्कूल ऑफ एमिनेंस पुजे। SSP गुलनीत सिंह खुराना भी मुख्यमंत्री दे नाल मौजूद सन। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ना सिर्फ स्कूल दे प्रिंसीपल अते स्टाफ नाल गलबात कीती सगों विद्यार्थियों नूं संबोधन भी कीता। मुख्यमंत्री ने सारे नूं उन्हां दे मुश्किलां ते स्कूल दीआं कमियां बारे पुछिआ। इत्थे मुख्यमंत्री मान ने विद्यार्थियों तों स्कूल दी कारगुजारी संबंधी सवाल जवाब भी कीते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विद्यार्थी नाल जमीन उत्ते बैठ के गलबात की। स्कूल के एक विद्यार्थन वालों स्कूल दूर होने कारण आँदी ट्रांसपोर्ट की परेशानी बारे दसण उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों में बसों की सहूलत शुरू होगी, जिस विच GPS की सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि सूबे के सरकारी स्कूलों में 16 दिसंबर को PTM होगा। इस तों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान मोरिंडा के लुठेरी के सरकारी स्कूल का अचनचेत दौरा कर पहुंचे। इस मौके उन्होंने स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों से गलबात की। भगवंत मान ने स्कूल प्रिंसीपल को कहा कि वह इतने छापा मारने नहीं सगों कमियां वेखण ते उन्हें दूर करने पहुंचे ने। इस लैवल देख के बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो हैं वो अपना अपना मंजिल ऑलमोस्ट तय करके बैठे। बच्ची ने कहा मैं पहले सोशियोलॉजी में जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं लॉ करूंगी, फिर मैं जज बनूंगी, तो उसने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। और स्कूल ऑफ एमिनेंस इसी बात को ध्यान में रख के बच्चे का इंटरेस्ट किधर है उसको वही पढ़ाया जाए, ना कि उस पर कोई थोपा जाए कि तुमने ये बनना ही बनना है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करे बच्चा। तो इस उम्र में जो कुछ भी लिख देंगे उनके दिमाग में वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो उन्हीं का नेचर ऐसे ही बन जाता है। सो यहाँ पे पंजाब के ये वो धरती है जिस धरती पे हम खड़े, जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादे, उनकी शहीदी, माता जी की शहीदी, माता गुजर कौर जी, ये वो ही दिन है, दिसंबर के दिन है। तो ये धरती तो कुर्बानियों वाली धरती है। इस धरती ने तो हमें सिखाया है कि दूसरों के लिए लड़ना है और किसी का हक छीनना नहीं है, और फैले विद्या चानन होए ये साढ़े लिखा होंदा है। तो एक जोत से जोत जगती है, दिए से दिया जगता है। मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ के आया हूँ, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल के टीचर थे, तो अच्छा लग रहा है कि ऐसे आए। मैं बिना बताए आया हूँ, कोई ऐसा खास प्रबंध नहीं है, कोई मैं फूलों के हार डलवाने नहीं आया, वैसे ही अचानक से इनको भी पता शायद ऐसे ही पता चला होगा। तो मैं कमियां देखने आया हूँ, मैं इनको कोई सनसनी या डराने धमकाने सस्पेंड करने नहीं आया। तो कई कमियां रही होंगी, बहुत कमियां होंगी, उनको पूरा करना है। पंजाब विच बागवानी नूं हुलारा देण ते किसानां दी आमदन विच वाधा करन दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे सुपने नूं पूरा करन दी वचनबद्धता दोहरांदिआं बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने गुरदासपुर अते पठानकोट दे लीची किसानों दे मुश्किलों के हल लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों तुरंत हर संभव यतन करने के निर्देश दिए। पंजाब भवन में मीटिंग की प्रधानगी करदे कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने किसानों वालों लीची के बागों लिए अप्रैल और मई के पीक सीजन दौरान रात समय निरंतर 10 घंटे बिजली सप्लाई देने की मंग संबंधी PSPCL के चीफ इंजीनियर सतेंद्र शर्मा को हिदायत की कि वह किसानों की मंग को तरजीही तौर उत्ते पूरी कर। कैबिनेट मंत्री ने जल स्रोत विभाग के सकत्र चंद्र गैंद को कहा कि वह यकीनी बनाने के नहर और मंजरात की मुरम्मत का काम समय सर निपटे चाड़ा जाए, ताजो गर्मियों के मौसम में लीची के बागवानों को निर्विघन नहरी पानी की सप्लाई हो सके। उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल दौरान नहरी विभाग वालों नहरों की मुरम्मत का काम शुरू करने बागों नहरी पानी की सप्लाई नहीं मिलती, फल की उपज प्रभावित होती है। भाजपा के कौमी सकत्र मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू करने उत्ते गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का धन्यवाद किया है और कहा कि धारा 370 हटने नाल ही यह प्राप्ति संभव हुई है। भाजपा के कौमी सकत्र ने जम्मू कश्मीर के सिखा आनंद मैरिज एक्ट लागू होने की बधाई दी और कहा कि हुण जम्मू कश्मीर में रहिंदे सिख ना सिर्फ नवे व्याहे बल्कि कोई भी सिख जोड़ा अपने व्याह लई आनंद मैरिज एक्ट तहत रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसनों लागू करने के हुक्म कल जारी किए गए हैं। सिरसा ने कहा कि इस प्राप्ति वास्ते पिछले 75 सालों तो वड्डा संघर्ष लड़ा गया से। उन्हें कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को मामले बारे दसा गया तो उन्होंने तुरंत केंद्रीय गृह सकत्र को हुक्म दिए कि वह तुरंत नियम बना के जम्मू कश्मीर में एक्ट लागू होना यकीनी बनाउण। उन्हें कहा कि हुण LG मनोज सिन्हा ने एक्ट लागू करने के हुक्म दिए ने और एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सिख भाईचारे को भरोसा दवाया कि मां बोली पंजाबी घट गिणती कमीशन स्थापित करने समेत उन्होंने दरपेश होर मुश्किलों के भी आते समय में हल कढ़े जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सिखा बहुत बहुत बधाई और भारत के
गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत दिलों धन्यवाद। लंबे समय तो 75 साल तो इंतजार सी और बड़े सालों तो असी भी इस लड़ाई लड़ रहे सी कि आनंद मैरिज एक्ट जम्मू कश्मीर लागू किया जाए, सिखां दे अपने आनंद कार्ज जिहड़े ने अपना विआह जिहड़ा है वो अपने एक्ट के तहत हो सके। जदों इसकी जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जानकारी दी गई, उन्होंने तुरंत गृह सचिव भल्ला जी की ड्यूटी लगाई और उन्होंने कहा कि तुरंत इसको लागू कराया जाए, रूल्स फ्रेम किए जा। मैं मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करदा है जिन्होंने कल इस नोटिफाई किया है, इहदी गजट नोटिफिकेशन हो गई है। हुण जम्मू कश्मीर के सिख जिहड़े ने अपने विआह जिहड़ा है आनंद कार्ज जिहड़े ने आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करा सकणगे, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रही। मैं फिर तो बहुत धन्यवाद जिथे करदा है गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, मनोज सिन्हा जी का, जिहड़े लैफ्टिनेंट गवर्नर ने जो उत्थे ही। मैं ये भी दसना चाहुंदा अपन सारिया सिंह सभावां कि जिहड़े बाकी तुहाडे दो मुद्दे सीगे असीं उहदे ते भी काम करदे पए आ। बहुत जल्दी सिखां दी रिजर्वेशन तो लैके नौकरियां दे अंदर और पंजाबी बोली और नाल मनोरिटी कमीशन इहदा भी तुरंत जल्दी प्रभाव तो लागू किया जाएगा। मैं फिर तो सारे का धनवाद करता और सारिया सिख संस्थावों का धनवाद करता है जिन्होंने अंदर साडा साथ दिता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके 20 दिसंबर नूं गुरुद्वारा श्री रिकाबगंज साहब दिल्ली तो राष्ट्रपति भवन तक किए जा रहे पंथक प्रदर्शन में समुचिया जथेबंदी की शमूलियत यकीनी बनाने संत समाज के कार सेवा संप्रदावों के मुखियों विशेष एकत्रता की गई। श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगवाई में हुई इस मीटिंग दौरान वड्डी गिणती में कार सेवा वाले महापुरखों और उन्होंने नुमाइंदों ने शमूलियत की। इस मौके हाजिर धार्मिक शख्सियतों ने दिल्ली विखे पंथक प्रदर्शन मौके जिथे भरमी शमूलियत का भरोसा दिता उत्थे ही लंगर दी सेवावां भी अपने जुम्मे लईयां। वख-वख शख्सियतों ने संबोधन करदे कहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई का मामला अत अहम कौमी मसला है जिसके हल लई कार सेवा संप्रदावां भरपूर योगदान पाउणगियां। इस एकत्रता दौरान श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रदर्शन दौरान श्रोमणी कमेटी वालों संपूर्ण किए दस्तखती मुहिम दौरान भरे गए 26 लाख परफार्मे भी राष्ट्रपति भवन तक लिजाए जाएंगे ता जो संगती आवाज़ सरकारां तक पहुँच सके। समुचे पंथ ने फैसला किया कि जिहड़े 26 लाख परफॉर्मे असी बंदी सिंघां दी रिहाई लई ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ सारे सिग्नेचर जिहड़े साडे होए लैके प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं सतनाम वाहिगुरु का जाप करदे, कोई उत्थे तकरार नहीं, कोई उत्थे जकारा नहीं, उत्थे जो खालसे दीआं परंपरावां अनुकूल सतनाम वाहिगुरु का जाप करदे सारा ही भाईचारा सिख भाईचारा जिहड़ा उत्थे एकत्र होऊगा वो सारे उत्थे उधर नूं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं फार्म देण जाणगे, जिन्हां विच मुख तौर पर पहला आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन जिहड़ियां सारियां इकट्ठियां होईयां उन्हां सारियां ने इस गल का हंगारा दिता सी, जिन्हां दे विच सरकार दा तौर पर भाई रजिंदर सिंह जी मेहता दी धड़ा, भाई मनजीत सिंह जी, गुरचरण सिंह जी गरेवाल ते सरदार करनैल सिंह जी पीर महाबद, इन्हां नौजवानों ने जिहड़े इन्हां दे प्रधान आए सी उन्हें कहा भी असीं कोई साधन भी सानू थोड़े बहुते मुहैया कराओ, कुछ आप करांगे, असीं वड्डी गिणती विच पहुंचांगे। लगभग साडियां सारियां जथेबंदियां जिन्हां दे विच कार सेवा वाले पूर्ण महापुरश, आनंदपुर आनंदगढ़ किले वाले महापुरश और बाबा अमरीक सिंह ख्याल, हरेक जथेबंदी दे नुमाइंदे इत्थे पहुंचे आ। उन्हां सारियां ने यकीन दवाया, बाबा अमरीक सिंह जी पटियाले वाले, इन्हां सारिआं ने यकीन दवाया कि असीं 19 तरीक शाम नूं रात नूं उत्थे पहुंचांगे ते महापुरश भी जिहड़े आ उह सारे उत्थे पहुंचणगे। और मासदुआणे वल्लों बाबा टेक सोहणी हाजरी लवाई आ उहने भी, और इहने आपणा दस्सिआ वी असीं किदां किदां साधनां दे विच जावांगे। सो उह असीं उदण सारिआं जथेबंदियां जिहदे च श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इहदी अगवाई कर रही आ और किसान जथेबंदियां नौवां ने सत्तां ने मेरे को हुण भी मैसेज आए आ, वह भी कहिंदे असीं उहदे विच शामिल होवांगे। अमृतसर में बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके अज हवारा कमेटी वल्लों अमृतसर के गोल्डन गेट ते क्रोस मार्च कढ़िया गया। रोस मार्च
गोल्डन गेट तो शुरू होकर श्री अकाल तख्त साहब जाके संपन्न होया जथेबंदी सिखा की रिहाई लिए अरदास की गई। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे सिख जथेबंद नुमाइंद ने कहा कि पिछले लंबे समय तो सिख बंदी सिंघां की रिहाई लैके सरकार को अपीलां कर रहे हैं कि इन्हां दीआं सजावां भी पूरी हो चुकी ने पर उन्होंने जेलों में रिहा नहीं किया गया। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार बंदी सिखा जल्द तो जल्द रिहा करे। जदों तो देश आजाद होया उदों देश आजाद कराउण दे समय तो लैके कुर्बानियां जिहड़ियां सिखां दीआं वध पर साडे नाल वीर जी विदकरा किया जा रहा तो अज तक हो रहा जे एक इंसानियत तौर पर कानून मुताबक इंसानियत तौर पर उन्हां दीआं सज़ा जिहड़ियां बंदी सिंघां दीआं पूरियां हो चुकियां वा पर साडे नाल ये विदकरा करदे आ उन्हां दीआं सज़ा पूरियां होण तों बाद भी उन्हां नूं रिहा नहीं किया गया तो जिहड़े असीं रोस मार्च कर रहे हां रल के असीं सिर्फ एक कौम नूं देशां ते विदेशां दीआं संगतां नूं आम लोगों नूं ये दसना चाहुंदे आ ते सरकार नूं दसना चाहुंदे आ असीं कि असीं इंसाफ लैण वास्ते जूझ रहे हां। सरहिंद जी आर पी विच तैनात एक ASI सुखविंदर पाल सिंह जो शक्की हालातों में ऐतवार को लापता हो गया सी ते ASI दी कार सरहिंद भाखड़ा नहर के कंढे तो मिली सी अज ASI दी लाश मूणक फतेहाबाद नेड़े मिलने की सूचना मिली है। DSP फतेहगढ़ साहब राजकुमार ने दस्सिया कि लाश की पहचान लई पुलिस अते परिवार के मैंबर रवाना हो गए हैं ते लाश की पहचान तो बाद ही सही पुष्टि की जा सकेगी। जिक्रयोग है कि नहर कंढे खड़ी कार के नेड़े एक सुसाइड नोट भी मिले से सुसाइड नोट में लिखा है कि GRP के SHO ते मुंशी संबंधित मुलाजमन तंग परेशान करते सन। DGP पंजाब गौरव यादव IPS के दिशा निर्देशों तहत नशे खिलाफ विडी की विशेष मुहिम तहत SSP मनजीत सिंह ढेसी हदायतों मुताबिक SP मनजीत सिंह अते DSP अबोहर की योग अगवाई में मनजीत सिंह इंचार्ज CAA अबोहर ने 2 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस बारे SP मनजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने दसा कि मनजीत सिंह इंचार्ज CAA अबोहर पुलिस पार्टी समेत गश्त से चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस पार्टी YPS कंधावाला चौंक तो लिंक रोड केकर खेड़ा वालू मुड़ी तो चौंक के खब्बे हाथ दो नौजवान एक बैग में खोल के उसकी फरौला फराली कर रहे सन जो कि पुलिस पार्टी ने वेख के घबरा के खड़े हो गए। उन्हें कहा कि पुलिस ने इन व्यक्तियों के कोल जाके बैग की तलाशी ली तो इस विचों एक मोमी लिफाफा जिस विच अफीम पाई हुई सी वो बरामद की गई। उन्हें कहा कि इसका वजन करन ते यह 2 किलो 500 ग्राम सिद्ध हुई जिस उत्ते दोषियों खिलाफ City 2 अबोहर विखे मुकदमा दर्ज किया गया ते बनदी कार्रवाई की जा रही है। CAA इंचार्ज 2 अबोहर वालों आलमगढ़ चौंक दे विच बाईपास नाका लगाया गया सी जिथे दो व्यक्ति काबू किए जेडे कि एक का नाम प्रकाश प्रजापत अते दूसरे का नाम राकेश कुमार है जेड़ा कि जिला मंदसौर MP दे रहने वाले ने उन्हां कोलों अज 2 किलो 500 ग्राम जी अफीम बरामद की है। इस दे विच जिहड़ा हैगा मुकदमा नंबर 131 नंबर जिहड़ा थाना City 2 अबर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिला फाजिलका दे SSP मनजीत सिंह ढेसी दे दिशा निर्देशों उत्ते SP मनजीत सिंह की अगवाई में फाजिलका पुलिस वालों माड़े अंसरों खिलाफ विडी की मुहिम के तहत SHO सचिन कुमार वालों नाकेबंदी दौरान चोरी के मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की गई। इस संबंधी मनजीत सिंह ने सदी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसा कि मुखबर की इतलाह मिलने उत्ते MR इनकलेव चौंक विखे नाकेबंदी दौरान 3 दोषियों को काबू करके उन्होंने पासों चोरीशुदा एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया जिस तों बाद उनकी पूछगिछ दौरान दोषियों पासों 6 होर वख-वख मार्के दे मोटरसाइकिल बरामद किए गए। SP मनजीत सिंह ने दसा कि दोषियों खिलाफ थाना सिटी फाजिलका विखे मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। सरहदी खेत्र में नशे को ठल पाने DSP अटारी वालों निभाई जा रही सेवाओं बदलों में सम्मानित किया गया। इस मौके DSP दफ्तर चौगावा विखे आम आदमी पार्टी के आगू प्रधान लखविंदर सिंह और उनकी टीम वालों DSP अटारी गुरिंदरपाल सिंह नूं सम्मानित किया गया। इस मौके लखविंदर सिंह लखा ने कहा कि सरहदी खेत्रां विच नशियां दा पूरा बोलबाला है। DSP अटारी गुरिंदरपाल सिंह नगरा ते पुलिस पार्टी वालों सरहदी पिंडां विच दिन रात टीमां बना के गश्त करके नशियां दे कारोबार नूं काफ़ी हद तक ठल पाई गई है जो कि शलाघाजोग उपराला है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते नज़र मारदे मौसम के हाल से तुम बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।